वेलकम एंड स्वागत है दोस्तों आज के इस नए खूबसूरत से नए ब्लॉग में। आज हम जोधाबाई का महल, अकबर के सपनों का महल फतेहपुर सीकरी को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए देखते हैं, बने रहें। आज का ब्लॉग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है और डेफिनेटली पसंद आएगा आप लोगों को। आप लोगों का प्यार काफ़ी कुछ मिल रहा है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों से। जैसा कि बताऊं मैं आप लोगों को कि इंडिया एक्सप्लोर की सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट वन है। इसमें दिल्ली से सफ़र शुरू हुआ है आगरा, आगरा से मैं आगे आ गया फतेहपुर सीकरी और इस तरह से आगे सफ़र चलता रहेगा। क्या कुछ दिखा पाऊँगा, क्या कुछ दिखा सकता हूँ, कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर दिखा पाऊँ। चलिए बने रहें, जुड़े रहें, इंजॉय करें घर बैठे भारत भ्रमण। ये है पहला एंट्रेंस जोधाबाई का महल, जहाँ जोधाबाई रहा करती थी। इतिहास ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को जानकारी है। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, देखें और एंजॉय करें। दिस इज जोधाबाई महल। ये बीच आंगन में उस दौर में, चूँकि वो हिंदू रिलीजन को मानती थी, शी वॉज फॉलोइंग सेम, तो यहाँ पे एक तुलसी के पौधे को लगाया गया था उस टाइम। दो महल है, एक ये और एक इसके बिल्कुल सामने दूसरा। देखिए जी, मैं आपको आज जो गाइड बताई, ये समर हाउस 6 महीने यहाँ रुकी थी गर्मी में और यहाँ पे ये जो है ये गर्मी के दिनों के लिए इस्तेमाल होता था, गर्मियों में वो यहाँ रहती थी समर। चलिए अंदर देखते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर समर पैलेस। ये डबल स्टोरेज बिल्डिंग, झरोखे, राजस्थानी पैटर्न, कंप्लीट रेड स्टोन से बना हुआ एक खूबसूरत आर्किटेक्ट, खूबसूरत डिज़ाइन। ये उनका ये ताक, शी वॉज पुटिंग स्टफ्स ओवर देयर। और ये इसके साथ एक अटैच छोटा सा चेंजिंग रूम या स्टोर रूम आप कह लें, दोनों साइड। ये समर का था क्योंकि गर्मी यहाँ आगरा में बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ये एक दूसरा छोटा सा, और इसके बिल्कुल सामने है, विंटरों में वो यूज़ करती थी, विंटर पैलेस। देखिए कैंपस में सारा, ये देखिए खूबसूरत आलीशान छोटे छोटे और दूसरे कमरे जो गालिबन उनके रिलेटिव्स या उनकी दासियों के लिए हुआ करते होंगे या उनकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए। ब्यूटीफुल ये है इनके मंदिर, ये आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ ताक बने हुए हैं। ये इसके साथ ही एक स्टोर रूम दोनों साइड, ये बीच का चबूतरा। बहुत ही खूबसूरत, एक्सेलेंट स्टोन कार्विंग। स्मूथ कटिंग की हुई है, ये
स्टोन कार्विंग का एक बेहतरीन नमूना है। उखेरी की खूबसूरत डिजाइन ये एंट्रेंस। पीछे देख पा रहे होंगे बिल्कुल पीछे की तरफ एंट्रेंस है, एक तरफ समर पैलेस है और ये दूसरे साइड में विंटर पैलेस है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है डिज़ाइन, दोनों की इंटरनल कंस्ट्रक्शन इंटरनल पार्ट में कुछ डिफरेंस होगा। दिस इज समर पैलेस एंडवेटमेंट, दिस इज एंट्रेंस और ये दूसरा विंटर पैलेस सर्दियों में इस्तेमाल होने वाला। ये जोधा भाई की रसोई थी। जो बंद है बट अच्छी है, महल से अलग खाने से अलग इनकी रसोई हुआ करती थी। ये सामने जोधा भाई का महल, ये उनका किचन और ये उनके लिए रंग महल या जो भी होगा बैठक खाना। ये पूरा का पूरा आंगन, ये ऊपर जाने की सीढ़ी, ऊपर की छतरी महल के दूसरे हिस्सों के लिए। भाई के महल से जब हम आते हैं स्टेयर से तो ये यहाँ पे रंग महल, उस टाइम के जो फंक्शंस वगैरह हुआ करते थे, सेलिब्रेशंस वगैरह होते थे, उससे रिलेटेड ये कैंपस। चारों तरफ आवाम के लिए, ऊपर का हिस्सा रानियों के लिए, ये था दीवान ख़ास जिसमें ख्वाबगाह अकबर का ख्वाबगाह हुआ करता था। ये इसकी हाइट बहुत कम है, बहुत नीची छत है इसकी, मतलब इसके अंदर एंटर करने के लिए आपको झुक करके आना पड़ेगा मेरी जैसे हाइट उस आज से। ये देखिए इसमें इसमें पानी डाला जाता था आपको खूबसूरत ठंडक के लिए, क्योंकि ये बहुत गर्म होता था उस ज़माने में, पानी ही एक सोर्स था जिससे ठंडा किया जा सकता था। ये था अकबर का ख्वाबगाह, ये पानी के लिए यहाँ पे गुलाब जल वगैरह डाल करके और खुशबू डाल करके इसमें ये रोशन चरागाह करने के लिए। ये था अकबर का तख्त, इस पर बेड, दिस वाज द बेड। इतनी हाइट पे है, यहाँ पे चढ़ने के लिए उस वक्त लकड़ी वगैरह का लगाया जाता होगा जिससे ये ऊपर आ जाते होंगे और फिर सो जाते होंगे इसके ऊपर। ये था और पीछे से रोशनदान, और ये देखिए वाटर, पानी का सोर्स जो महलों को ठंडा रखने के लिए पानी इसमें से जाता होगा। आइए, ये दीवान ख़ास था जहाँ पे बादशाह सलामत यहाँ आकर के यहाँ से बैठ करके लुत्फानंदोज़ हुआ करते थे, नज़ारे किया करते थे। ये तानसेन की बैठने की जगह थी जहाँ पे संगीत सभा होती थी, तो यहाँ पे वो शुरू करते थे अपना।
इसमें चारों तरफ पॉन्ड सूरज सा। इसे अनूप तालाब कहा जाता है। ये डाइनिंग हॉल जहाँ बादशाह सलामत खाना खाया करते थे, और ये इनका बेडरूम, सामने बेड दिख रहा होगा, ये बेड है। चलिए आगे, ये टर्किश सुल्तान के लिए बनाया गया था पेवेलियन। अकबर द ग्रेट का महल, उनका आंगन। अभी आगे देखिए और क्या कुछ है। चलिए, दीवान खास आइए दीवान खास का नज़ारा करें, यहाँ पे खास खास लोगों के साथ। एडवर्टीजमेंट के लिए मरकज़ था यहाँ से, जैसा कि बताते हैं लोग, कि यहाँ बैठकर के बादशाह सलामत अपने धर्म का प्रचार किया करते थे। ज़बरदस्त कार्विंग, ब्यूटीफुल। ये ट्रेजरी हुआ करती थी अकबर के ख़जाने, जहाँ ज्योतिषी वगैरह बैठा करते थे, और यहाँ पे ये जो पहली छतरी है, यहाँ पे ज्योतिष बैठा करते थे, और तीन कमरों का ये एक सेट है जहाँ पे इनका अपना ख़जाना रखा जाता था। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेजरी। एक कमरा इस साइड है और ये बीच का हॉल।
खजाने यहाँ होते थे, इनमें रखे जाते थे। ऐसे खुला नहीं रहता था, ये स्टोन से ढका हुआ, इसके नीचे बॉक्स होता था, बना हुआ बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर रखा जाता था सारा कुछ। ये बीच का कॉरिडोर जिसमें उस दौर में फोर्स वगैरह रहा करती होगी, ये वो कॉरिडोर था। आइए, यहाँ पर मेरे ख्याल में पुलिस फोर्स वगैरह रहती होगी, उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते होंगे। ये एक बड़ा कमरा, इसमें भी सेम वैसे ही ये कट, और इसके अंदर गहरा गड्ढा जिसमें खजाने रखे जाते थे, काफ़ी गहरा, काफ़ी बड़ा। और इसके पीछे का ये मंजर, वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी पानी को रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत किल्लत थी, और यही वजह थी कि मुग़लों को फिर यहाँ से जाना पड़ा दिल्ली, और दिल्ली में इन्होंने फिर शाहजहाँ ने चेंज किया राजधानी को आगरा से दिल्ली। तो दिस वॉज द रीज़न कि पानी नहीं रहने की वजह से यहाँ पे ये मूव हो गए। क्या खूबसूरत, बड़ी मेहनत का काम किया गया है। आइए चलते हैं आगे। ये वाटर पॉन्ड वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चलिए आगे। तरफ मीना बाजार, यहाँ पे मार्केट महल के औरतों के लिए लगा करता था। ये था मीना बाजार का इलाका। यह है दोस्तों बीरबल महल, जो बाद में बीरबल को डोनेट कर दिया था अकबर ने। एक्चुअली ये मरियम्स टॉम था, सॉरी मरियम्स महल था ये, यानी जोधा बाई के लिए बनाया हुआ महल था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं रहती थी, उसकी नहीं रही। ओके, उसके पीछे की वजह मैं अभी बताता हूँ एक सेकंड के बाद। ये था खूबसूरत डबल स्टोरेज बिल्डिंग, बाद में इसको बीरबल ने अपने रहायशगाह के लिए इस्तेमाल किया। और ये बीरबल हाउस के बिल्कुल सामने ये अस्तबल हुआ करता था, जहाँ घोड़े बने थे। देखिए ये, देखिए ये जो कुंडियाँ लगी हैं नीचे फ्लोर में, इसमें मोटी रस्सी लगाई जाती थी, और यहाँ पे घोड़े बनते थे। ये घोड़ों का अस्तबल, बादशाहों के और जो बड़े हुक्मरान यहाँ उनके होंगे। ये दूसरा हिस्सा, ये था अस्तबल, काफी बड़ा कोर्टयार्ड, काफी बड़ा स्पेस, ये सब महल के अंदर था। अस्तबल में बैठे घोड़ा घोड़ी अपना वक्त गुजारते हुए। Thank you.
या खास कुछ उस दौर का होगा। ये है जनाब दीवान खाना आम, यानी दीवान आम फतेहपुर सीकरी। का ये दीवान आम जहाँ पे बादशाह सलामत यहाँ से आते थे और आम लोगों से उनकी फरियादें सुना करते थे। दिस इज दीवान आम। आइए दीवान आम का एक नज़र आप लोगों को कराऊं। आम मींस कॉमन। इतना बड़ा विशाल गार्डन, एक्चुअली ये गार्डन नहीं होगा, ये उस दौर में ये चारों तरफ इसके एक बरंडा जहाँ पे सेटिंग हुआ करती होगी, जो उस दौर के बड़े लोग हुआ करें आम पब्लिक आवाम के लिए या फैसले सुनने के लिए, ये था दीवान आम। एज यू कैन सी दिस इज दीवान आम, यहाँ पे बादशाह बैठा करते होंगे, यहाँ से अपनी वो फैसले और अपनी सारी बातें आम पब्लिक। दीवान आम के इस सफ़र के साथ फतेहपुर सीकरी का भी सफ़र अख्ताम को आता है। मिलते हैं कुछ नया लेकर के अगले ब्लॉग में फिर से, अभी तो सफ़र जारी है, ऐसे ही प्यार बनाए रहे और नए नए रोज़ ब्लॉग्स देखते रहे, एंजॉय करते रहे, मज़े लेते रहे। मिलते हैं कुछ नया लेकर के अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, अपने का ख्याल रखें।